तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस आवाज में रियाज करना चाहिए। दर्द है सो राहत सब मिला दिल नशी एक तो ही नहीं। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सेठ और आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पे एक बार स्वागत है। दोस्तों बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आते हैं कि जो नए सिंगर्स हैं, जो अभी संगीत सीखना शुरू किए हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि आवाज रियाज के दौरान आवाज कैसी होनी चाहिए, किस आवाज में रियाज करनी चाहिए, आवाज लाउड होनी चाहिए या धीमी होनी चाहिए या कैसी होनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहली बात आप ये ध्यान में रखिए, इस बात को आप ध्यान में रखिए कि जब भी आप रियाज करने बैठ रहे हैं तो आप ये सोचें कि आप रियाज क्यों करने जा रहे हैं, किस चीज का रियाज करने जा रहे हैं और किस चीज के रियाज से आपको क्या फायदा होने वाला है, आपके रियाज करने का मकसद क्या है। सबसे पहला प्रश्न आप ये अपने आप से पूछा करिए कि आपका रियाज करने का क्या मतलब है, क्यों आप रियाज करना चाहते हैं, क्या पर्पज है। ये दोस्तों जानना इसलिए जरूरी है कि जब हम जानते हैं कि हमें क्या चाहिए अपने गले में तो हम उस चीज का अभ्यास करते हैं। ऐसे ही बैठ गए कुछ भी गा रहे हैं तो ठीक है, गले का अभ्यास हो रहा है, पर एक पर्पजलेस वो रियाज होता है, कोई पर्पज नहीं होता है। बड़े विद्वानों ने कहा है कि रियाज का एक मकसद होता है। सपोज दैट आपको अपने गले को बहुत चलाना है, गले में हरकतें लानी, मुर्कियां लानी है, तो आपको क्या करना चाहिए, उस समय आपको तेज लय में सरगमों का, अलंकारों का अभ्यास करना चाहिए। अगर आपको अपने गाने में ठहराव लाना है तो धीमे लय में गाने का अभ्यास करना चाहिए। अगर आपको अपने सुरों को पक्का करना है तो सुरों पे ठहर के एक एक सुर को कम से कम 5-5 मिनट दे के अभ्यास करिए तो सुर पक्का होगा। तो दोस्तों आपने देखा कि जब हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या रियाज करना है और रियाज करने से हमें क्या हासिल होगा तो हमारा रियाज सार्थक होता है, मीनिंगफुल होता है, फायदेमंद होता है। तो पहली बात आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस लिए रियाज कर रहे हैं और रियाज करने से आपके गले में क्या प्रभाव पड़ेगा। अब जो मेन प्रश्न है इस वीडियो का कि हमें रियाज किस आवाज में करने चाहिए, क्या तेज करने चाहिए, लाइक सारे गम बम गरे सा, सारे गम बम गरे सा, सारे गम बम गरे सा, किस वॉल्यूम में। तीन वॉल्यूम है दोस्तों, एक लाउड है, एक नॉर्मल है जिसमें हम बात करते हैं, और एक कम वॉल्यूम वाली आवाज सारे गम गरे सा, सारे गम गरे सा, ये चीज। तो जनरली हमें नॉर्मल वॉइस में रियाज करनी चाहिए जनरली, पर जो संगीत नए सीख रहे होते हैं उनके साथ ये भी प्रॉब्लम होती है कि उनका गला पूरा खुला हुआ नहीं होता है, तो इस कंडीशन में उन्हें अपने गले को खोलने के लिए लाउड वॉइस में रियाज करना पड़ता है शुरुआती दौर में। पर जब एक बार गला खुल जाता है तो आप अपने नॉर्मल वॉइस में रियाज करिए, यह तरीका है।
अब इसका कारण यह है कि दोस्तों जब हम अपने नॉर्मल वॉइस में रियाज करते हैं तो हमारे आवाज की जो अच्छाइयां होती है, जो खूबसूरती होती है, वो निखरती है। ये फायदा है और हमारा गला जल्दी थकता नहीं है, जल्दी टायर्ड नहीं होता। अगर हम लाउड वॉइस में बहुत ज्यादा रियाज करेंगे तो हमारा गला जल्दी टायर्ड हो जाएगा, और बहुत ही धीमी आवाज में अगर रियाज करेंगे तो वो मजा नहीं आएगा। इसलिए जिस आवाज में हम बात कर रहे हैं उस आवाज में हमें रियाज करनी चाहिए। नॉर्मली पर अगर आप अपने आवाज गले को खोलना चाहते हैं, आवाज को आप आवाज में और खुलापन लाना चाहते हैं, तो आपको लाउडली रियाज करना पड़ेगा। अभी मैंने बताया दोस्तों कि रियाज का मकसद होता है, अगर आपका मकसद अपने गले को खोलना है तो लाउडली आपको रियाज करना पड़ेगा। सांस लेके आपको सरगमों अलंकारों को जोर जोर से गाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने अपने वीडियो में बताया कि आवाज कैसे और खोले। तो समझे रियाज का आपका क्या मकसद है, उस पर डिपेंड करना है कि आपको किस वॉल्यूम में रियाज करना है। जनरली नॉर्मल वॉइस में अगर आपको अपने गले को खोलना है तो लाउड वॉइस में, अगर आपको अपने गाने में गले में कशिश लानी है तो धीमे आवाज में रियाज करना चाहिए, तभी एक वैरायटी आती है और आपको वॉइस मॉड्यूलेशन में फायदा होता है। तो दोस्तों कोई कंफ्यूजन ना रहे, फिर से मैं आपको सम अप कर दूं। रियाज का मकसद होता है, आप रियाज करने बैठ रहे हैं तो सबसे पहले सोचिए कि आपको कैसे रियाज करना है, उस हिसाब से आप रियाज करिए। नॉर्मली आप अपने बातचीत करने वाले टोन में, बातचीत करने वाले वॉल्यूम में रियाज करिए। अगर आपको गला खोलना है तो लाउड वॉइस में, अगर कशिश लानी है अपने आवाज में तो धीमे आवाज में रियाज करिए, नहीं तो आप अपने नॉर्मल वॉइस में रियाज करिए। ज्यादा लाउड रियाज करने में गले में थकान आती है, इसलिए हमें बहुत देर तक तेज आवाज में रियाज नहीं करनी चाहिए, अपने नॉर्मल आवाज में रियाज करनी चाहिए, अपने असली वॉइस में रियाज करनी चाहिए। तो दोस्तों ये रहा इस वीडियो का जवाब, इस वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया है उसका जवाब। कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए आप जरूर पूछें। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करें। आपने मुझे इतने प्यार से देखा सुना, इसके लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने जा दोनों जहां, मेरी बाहों में आ अभी जा।